हेलो दोस्तों, आज हम दो चर के रैखिक समीकरण को पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके थे प्रतिस्थापन विधि से दो चर के रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं। आज हम प्रश्नावली 3.4 को लेकर के चले हैं। इसमें हम वर्ड प्रॉब्लम लेकर के चले हैं कि आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इस वर्ड प्रॉब्लम में यही देखना है कि इसको क्या करना है, इक्वेशन के फॉर्म में करके और इसको इलिमिनेशन मेथड से हल करेंगे, मतलब विलोपन विधि से क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। इससे पहले वाले पिछले वाले वीडियो में आपको प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया जाता है उसको हम आसानी से आपको बताए हैं और आप बहुत सारे क्वेश्चन उसपे बनाए होंगे। ठीक है, हम क्वेश्चन को देखते हैं। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाता है। जाहिर सी बात है कि भिन्न में ही अंश और हर होता है, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं। यदि हर में एक जोड़ दे तो वह एक बटा दो हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात करें। देखिए, सबसे पहले जो पूछ रहा है उसको मान लेंगे, तो माना सॉल्यूशन में लिखेंगे, माना भिन्न का अंश, भिन्न का अंश, भिन्न का अंश को हम क्या ले लेंगे, एक्स तथा हर वाई है। जाहिर सी बात है अंश और हर हो गया तो दोनों को मान लिए, अतः भिन्न बराबर, भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर होता है, तो एक्स बटा में वाई आपका हो जाएगा। ठीक, फिर आपका प्रश्न से कह रहा है, प्रश्न से यदि अंश में एक जोड़ दें, यदि हम अंश में, अंश आपका क्या है, अंश आपका क्या है, एक्स है, एक्स हम मान लिए हैं, तो कह रहे हैं प्रश्न से कि यदि अंश में क्या कर दे, एक जोड़ दे तथा हर में एक को घटा दे। आपका कह रहे हैं कि हर में क्या कर दे, एक को घटा देते, हर आपका वाई है, वाई में एक को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो आपका भिन्न क्या हो जा रहा है, एक हो जा रहा है। देखिए, एक को चाहे तो हम लिख सकते हैं एक बटा में एक, इस तरह से आप इसको तिरछा तिरछी गुणा करते हैं। ठीक, तो तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा तो एक्स प्लस वन बराबर हो जाएगा वाई माइनस वन, इसी तरह से गुणा करते हैं ना, x प्लस वन में वन से होगा और y माइनस वन से वन में होगा। इस प्रकार से हम इसको इस तरह से न लिख करके इसी तरह से छोड़ देते हैं, क्रॉस कर देने पर आपका गलत हो जाएगा। ठीक, आपका हो जाएगा क्या, एक्स वाई इधर आएगा तो माइनस वाई, माइनस वन और माइनस वन, ठीक ना। इस प्रकार से इन दोनों को जोड़िएगा तो एक स्टेप बढ़ा लीजिएगा तो आपका माइनस टू हो जाएगा। इसको हम समीकरण वन ले लिए। ठीक, अब दूसरे समीकरण के लिए कह रहा है, पुनः प्रश्न से कह रहा है कि यदि सिर्फ हर में एक जोड़ दिया जाए, मतलब सिर्फ हर में एक जोड़ना है, ठीक ना, तो पुनः प्रश्न से कह रहा है, ठीक ना, कि यदि हर में एक जोड़ दिया जाए तो आपका भिन्न क्या हो जा रहा है, एक बटा दो हो जा रहा है। देखिए, हर में एक जोड़ दिया गया है तो आपका भिन्न क्या हो गया, एक बटा दो हो गया। यहाँ भी तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा तो आपको मिलेगा दो एक्स बराबर वाई प्लस वन। देखिए, दो एक्स, ये वाई इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और बराबर वन हो जाएगा। इसको हम समीकरण दूसरे, अब देखिए इलिमिनेशन मेथड से विलोपन विधि से हल करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स या वाई के गुणांक को बराबर करते हैं। बराबर करने के लिए किसी निश्चित संख्या से दोनों में गुणा करेंगे। अब देखिए, यहाँ वाई के गुणांक ऑलरेडी बराबर हैं ही, ठीक ना, अगर समान चिन्ह हो तो घटाते हैं, अगर असमान चिन्ह हो तो जोड़ते हैं। यहाँ देखिए, इन दोनों के समान चिन्ह है तो हम क्या कर देंगे, घटाएंगे, ठीक ना। तो हमको यहाँ किसी से गुणा नहीं करना है, गुणा तब करेंगे जब मान लीजिए कि हमको एक्स वाला कटाना हो पहले, तो हम लिखेंगे कि समीकरण वन में दो से गुणा कर समीकरण दो को घटाने पर, जबकि दो में भी अगर गुणा नहीं करना है तो हम इसी तरह से घटा देंगे। ठीक, तो लिखेंगे क्या, समीकरण वन में समीकरण दो को घटाने से पर, दो को घटाने पर, घटा दीजिए, घटाने पर, या समीकरण वन माइनस समीकरण दो भी लिख सकते हैं। ठीक, तो आपका समीकरण वन क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर माइनस दो, समीकरण दो क्या है, दो एक्स माइनस वाई बराबर आपका वन है, घटा दीजिए, माइनस प्लस, घटाते हैं तो चिन्ह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ देखिए, ये घट करके जीरो हो जाएगा, इस तरह से माइनस एक्स बराबर माइनस तीन हो गया, तो एक्स बराबर क्या आ गया, तीन आ गया। अब इस एक्स का मान आप किसी भी समीकरण में रख करके वाई का मान ज्ञात कर सकते हैं, तो हम एक्स का मान समीकरण वन में रख दीजिए, समीकरण वन में रखने पर, समीकरण वन आपका यही है,
एक्स की जगह पर तीन रख दीजिए बराबर वाई हो जाएगा माइनस दो, माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस दो और माइनस तीन, इस तरह से माइनस वाई बराबर हो जाएगा आपका माइनस पांच। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका, वाई बराबर पांच हो जाएगा, चूंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा। इस तरह से इसको हम हल कर लिए, एक्स बराबर आपका आ गया क्या, एक्स बराबर आपका तीन आ गया और वाई बराबर आपका क्या आ गया पांच आ गया। तो भिन्न बराबर क्या होगा, भिन्न बराबर आपको दिया हुआ है क्या है, एक्स बटा वाई है ना, तो भिन्न बराबर हो जाएगा एक्स बटा वाई बराबर तीन बटा में पांच, यही आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप हल कर सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन को, अगर मान लीजिए कि दो चर के रैखिक समीकरण दिया हो ठीक, तो आप इसको विलोपन विधि से या इलिमिनेशन मेथड से क्या करेंगे, एक्स और वाई, एक्स या वाई के गुणांक को बराबर करेंगे, अगर समान चिन्ह रहेगा तो घटाएंगे, अगर असमान चिन्ह रहेगा तो हम क्या करेंगे वहां पे जोड़ेंगे ठीक है। अगले हम प्रश्न पे चलते हैं, अगला आपका प्रश्न ये है कि पांच वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तीन गुनी थी ठीक, फिर कह रहा है कि दस वर्ष पश्चात ठीक ना, नूरी की आयु सोनू की आयु की दो गुनी हो जाएगी ठीक, फिर कह रहा है कि नूरी और सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात करें ठीक ना, मतलब नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करें, आयु ज्ञात करें मतलब वर्तमान आयु ज्ञात करें ठीक। सबसे पहले कह रहा है कि माना, इसमें हम बनाने के लिए क्या करेंगे, माना माना नूरी की आयु, नूरी की आयु, नूरी की आयु एक्स वर्ष तथा सोनू की आयु, सोनू की आयु बराबर आपका क्या है वाई वर्ष है ठीक ना, माना कि नूरी की आयु एक्स वर्ष तथा सोनू की आयु वाई वर्ष है ठीक। अब देखिए कह रहे हैं कि पांच वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो लिखेंगे क्या, आज उसका एक्स वर्ष है तो पांच वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु बराबर हो जाएगा एक्स माइनस पांच वर्ष, जाहिर सी बात है। फिर लिखेंगे क्या, पांच वर्ष पूर्व सोनू की आयु, सोनू की आयु बराबर हो जाएगा वाई माइनस पांच वर्ष ठीक। अब प्रश्न से देखते हैं, प्रश्न से कह रहा है कि पांच वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की क्या है, आयु की दो तीन गुनी है, सोनू की आयु की क्या है तीन गुनी है ठीक। तो कह रहा है कि पांच वर्ष पूर्व जो नूरी की आयु, नूरी की आयु यही है ना, एक्स माइनस पांच है, और सोनू की आयु की क्या है तीन गुनी है, कौन तीन गुनी है, तो ये नूरी की आयु तीन गुनी है, बराबर कब होगा, जब हम इस सोनू की आयु को तीन से गुणा करेंगे तब ना बराबर होगा, क्योंकि पांच वर्ष पूर्व नूरी की आयु आपका ये है और सोनू की आयु ये है वाई माइनस पांच, और ये तीन गुना है, बराबर कब होगा, जब हम इसमें तीन से गुणा करेंगे ठीक। इसको क्या कर लीजिए, आप हल कर लीजिए, तीन वाई बराबर माइनस पंद्रह ठीक, तो एक्स माइनस तीन वाई बराबर हो जाएगा माइनस पंद्रह और प्लस पांच, इस तरह से एक्स माइनस तीन वाई बराबर हो जाएगा माइनस दस, इसको समीकरण वन ले लीजिए ठीक। फिर कह रहा है कि दस वर्ष पश्चात नूरी की आयु, क्या लिखेंगे, दस वर्ष पश्चात नूरी की आयु, नूरी की आयु कितना हो जाएगा जी, नूरी की आयु आज उसका एक्स है तो दस वर्ष पश्चात एक्स प्लस दस हो जाएगा, इतना वर्ष हो जाएगा ठीक ना, और दस वर्ष पश्चात सोनू की आयु, सोनू की आयु इसका क्या हो जाएगा वाई प्लस दस, आज उसका एक्स है तो दस वर्ष बाद उसका भी आयु वाई प्लस दस हो जाएगा, मान लीजिए कि आज आपका आयु पंद्रह वर्ष है तो दस वर्ष बाद आपका पच्चीस वर्ष हो जाएगा उसी तरह से। फिर कर रहे प्रश्न से, प्रश्न से कर रहे हैं पुनः प्रश्न से यही कह रहा है कि दस वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दो गुनी हो जाएगी। देखिए ये नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की कितना गुना हो जाएगा, तो ये आपका दस गुना दो गुना होगा ना, ये आपका नूरी की आयु दो गुना होगा, बराबर कब होगा,
तो जब हम इसमें दो से गुणा करेंगे तब आपका बराबर होगा। अब देखिए इसको क्या कर लीजिए, हल कर लीजिए। ठीक, हल करेंगे तो इसको देखिए हम लिखेंगे क्या, x प्लस दस बराबर हो जाएगा 2y प्लस 20 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। इस तरह से इसको हल कर लीजिए तो x माइनस 2y बराबर हो जाएगा 20 और ये माइनस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, मतलब x माइनस 2y बराबर आपका 10 हो गया, ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब देखिए विलोपन विधि से हम बताए हैं कि या तो x के गुणांक को बराबर कीजिए नहीं तो y के गुणांक को बराबर कीजिए। ठीक ना, तो हम पिछले वाले में हम y वाले को क्या कर दिए थे, कटा दिए थे। यहाँ पे देखिए x माइनस 3y है, ठीक ना, और ये x माइनस 2y है। यहाँ x के गुणांक क्या है, बराबर है, x के गुणांक बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे इस समीकरण 1 में 2 को घटा दीजिए तो 1 आपका क्या है, x माइनस 3y बराबर -10, x माइनस 2y बराबर 10। इस तरह से माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक, ये घट जाएगा, घट करके 0 हो जाएगा, -y बराबर -20 हो जाएगा। इस तरह से y बराबर 20 हो जाएगा, ये कट जाएगा, दोनों तरफ माइनस है। ठीक, y का मान क्या कर देंगे, y का मान किसी भी समीकरण में रख लीजिए, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर देखिए समीकरण 1 आपका यही है। ठीक, तो 3 माइनस x माइनस, समीकरण यही है ना, जहां जहां y है तहां तहां हम क्या कर लेंगे, 20 कर देंगे। ठीक, और बराबर ये आपका हो जाएगा क्या, -10 हो जाएगा। इस तरह से आप इसको हल कीजिएगा तो आपका आएगा क्या, x बराबर हो जाएगा 10 और प्लस 60 हो जाएगा, -10 और प्लस 60, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 50 वर्ष हो जाएगा। ठीक ना, आता हम देखेंगे कि आपका जो नूरी की आयु है 50 वर्ष, लिख लेंगे नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष, और सोनू की आयु बराबर लिख लेंगे 20 वर्ष लिख लेंगे। इस तरह से हम आप क्या कर लीजिएगा, हल कर लीजिएगा। इसी प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन हैं, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग जो आपका क्वेश्चन है वैसा ही एक एग्जांपल दे दिया है। ठीक ना, तो उसपे आप बना सकते हैं एग्जांपल, पहले देखिए। ठीक ना, ये वीडियो देखिए, एग्जांपल देखिए, उसके बाद आप बुक को बनाइए। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम जरूर आपको बताएंगे। ठीक है, बनाइए बुक को, बढ़िया से बनाइए। धन्यवाद।